Yes, good morning students. It is class number 8 of chapter number 10, which is a straight line, and we were doing exercise 10.3. Now in previous class we had done all up to example number 17, and after that you had to do exercise 10.3, question number 1 to 10. तो इसके अंदर जो है किसी भी बच्चे का अभी डाउट नहीं आया और बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, तो मैं आगे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पहले आपसे डिस्कस कर देता हूं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, राइट। टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 3 एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन इज इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, सपोज दिस इज लाइन 1 और M1 इज इक्वल टू 2, राइट, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो वी हैव टू गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो फॉर दैट सिंस वी हैव टू गेट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो फॉर दैट वी नीड स्लोप ऑफ दिस लाइन, बिकॉज वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ऑफ थ्रू वन पॉइंट फॉर्म। तो वन पॉइंट फॉर्म के लिए हमारे पास पॉइंट तो है 2, 3, बट इसकी स्लोप नहीं है। तो स्लोप कैसे निकालूंगा मैं, एंगल बिटवीन टू लाइन से स्लोप निकाल लेते हैं। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, तो गिवन है हमारे पास कि स्लोप ऑफ लाइन 1 M1 इज इक्वल टू 2, दिस इज गिवन, एंड लेट स्लोप ऑफ अदर लाइन बी M2। तो इसके लिए करते हैं स्लोप ऑफ अदर लाइन को हमने M2 ले लिया, तो एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड 2 लाइंस 1 एंड 2 वो हमारे पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो फॉर्मूला लगा दो, tan 60 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, राइट। तो tan थीटा दैट इज tan 60, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू M2 वी हैव टू गेट M1 2 अपॉन 1 प्लस 2 M2। तो tan 60 इज रूट 3, तो प्लस माइनस रूट 3 राइट। अब हम इसको यूज कर लेते हैं, रूट 3 इज इक्वल टू टेकिंग पॉजिटिव M2 माइनस 1 अपॉन 2 M2, 1 प्लस 2 M2, इसका मल्टीप्लाई करो तो रूट 3 प्लस 2√3 M2 इज इक्वल टू M2 माइनस 1, या इसको मैं लिख सकता हूं M2 माइनस 2√3 M2 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3। तो M2 कैन बी रिटन एज रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2√3, राइट, दिस इज M2। तो व्हेन M2 इज दिस, अब दूसरा वाला केस ले लेते हैं कि माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, ठीक है, तो दिस इज माइनस रूट 3 माइनस 2√3 M2 इक्वल टू M2 माइनस 1। तो M2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2√3 इज इक्वल टू, ये उधर जाके 1 माइनस रूट 3, तो M2 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस 2√3, दिस इज M2। तो अब दो केसेस बन गए हमारे पास, जब M2 ये है और जब M2 ये है, दोनों केसेस से हम इक्वेशंस निकाल लेते हैं यूजिंग वन पॉइंट फॉर्म। तो अब कर लेते हैं, देखो यस, तो
we can get. So therefore, when m2 is root 3 plus 1 upon 1 minus 2 root 3. तो जब m2 ये है तो ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ लाइन 2 y माइनस बिकॉज इट पासेस थ्रू 2,3 ना, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 यूजिंग 1.4 फॉर्म. तो m के लिए ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 रूट 3 इंटू x माइनस x1 के लिए 2 आ जाएगा. तो आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 रूट 3 x y माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 इंटू x और माइनस 2 इंटू रूट 3 प्लस 1. ठीक है, या हम जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको. तो दिस कैन बी रिटन एज दैट इज, देख लेते हैं इसको और सिंप्लीफाई. तो इसको क्या ले सकते हैं, देखिए दिस इज रूट 3 प्लस 1 x और उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो माइनस या प्लस ही रख दो, टू रूट थ्री माइनस वन इंटू वाई. मैं उस साइड ले गया तो ये माइनस हुआ था ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस. और उधर जाके ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री इंटू वन माइनस टू रूट थ्री और माइनस तो ऑलरेडी है ही वहां पर, टू इंटू रूट थ्री प्लस वन इक्वल टू जीरो. सबको साइड देखे तो ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन, टू रूट थ्री माइनस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. और इट कैन रिटन एज रूट थ्री प्लस वन थ्री वन माइनस एट रूट थ्री इक्वल टू. तो दिस इज द इक्वेशन व्हेन एम टू इज इक्वल टू दिस वन. तो सिमिलरली यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन व्हेन एम टू इज इक्वल टू दिस मच. तो सेम ऐसे आपने करना है दूसरे पार्ट निकालने के लिए. तो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप. What is question number 14? Yes, 14th question is this. Find the equation, find the coordinate of the foot of perpendicular drawn from 1 minus 1,3 to the line this. Right. This is the line 3x minus 4y minus 16 is equal to 0. ठीक है, and minus 1,3 p minus 1,3. Now we have question is find the foot of perpendicular drawn from this point to this line. That means you have to get the equation on a coordinate of this point Q, foot of perpendicular. So how you get foot of perpendicular Q? So this is the point of intersection of these two lines, right? So if we have the equation of this line and equation of this line is already there, so we can get by solving those two equations the value of x and y, that will be the foot of perpendicular. So first of all, we have to get the equation of this line which passing through minus 1,3. So how do you get the equation of this line? We need to get the slope of this line first. So for that, this is line 1 and this is line 2, right? The slope of line 1, m1 is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y. So minus coefficient of x, that was 3 upon coefficient of y, so 3 by 4 m1. So let slope of, therefore slope of
लाइन टू, एम टू इजकल टू, और सिंस दीज टू लाइन आर परपेंडिकुलर तो एम टू इजकल टू माइनस वन अपॉन एम वन, तो इट बिकम्स माइनस फोर बाई थ्री, ठीक है, एम टू ये आ गए। अब यूजिंग वन पॉइंट फॉर्म, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन टू विच पासिस थ्रू माइनस वन कॉमा थ्री, तो यूजिंग वन पॉइंट फॉर्म वाई माइनस वाई वन इजकल टू एम माइनस फोर बाई थ्री एक्स माइनस एक्स वन इज वन, ठीक है, एक्स वन वाई वन ये हो जाएगा, तो वाई माइनस वाई वन इजकल टू एम इन टू एम, एम के लिए क्या था इसका स्लोप ये था एम टू का, तो दैट इज थ्री वाई माइनस नाइन इजकल टू माइनस फोर एक्स माइनस फोर, और इट कैन बी रिटन एज फोर एक्स प्लस थ्री वाई इजकल टू फाइव, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, दिस इज टू, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, नहीं पॉइंट ऑफ सेक्शन ऑफ दिस टू, तो फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव, दिस मल्टीप्लाई बाय फोर एंड दिस इज बाय थ्री, तो ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्सटीन वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, एंड ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू फिफ्टी, नाउ सब्ट्रैक्ट, तो ट्वेंटी फाइव वाई इज इक्वल टू नाइन और फाइव माइनस वन फोर, तो वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव, तो वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव। तो अब यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन एनी ऑफ दीज टू इक्वेशंस टू गेट एक्स, तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दो ज्यादा इजी है, फ्रॉम सेकेंड तो फोर एक्स प्लस थ्री इंटू वाई इज माइनस फोर्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन, फोर एक्स माइनस थ्री नाइन जर ट्वेंटी सेवन, थ्री फोर जर ट्वेल्व फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन, और फोर एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस वन फोर्टी सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव, एंड फोर एक्स इज इक्वल टू पांच और सात बारह चार पांच वन सिक्सटी टू अपॉन ट्वेंटी फाइव, तो इट कैन बी रिटन एज नो देयर इज अ मिस्टेक, दैट इज इट कैन बी रिटन एज फिफ्टीन प्लस वन फोर्टी सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव, नाउ ट्वेंटी फाइव टेक एज एलसीएम, फिफ्टीन फाइव जो सेवेंटी फाइव सेवन, फिफ्टीन टू जो थर्टी थर्टी सेवन एंड प्लस वन फोर्टी सेवन, तो यू कैन गेट फोर एक्स इज इक्वल टू सेवन फाइव ट्वेल्व, सेवन फोर इलेवन ट्वेल्व और थ्री और वन फोर फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव चार से, यस इट इज। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन मैंने मिटा दी ना, इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा है कहां पर है, तो इसको सेकंड, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन मुझे को यहां पे दिख रही है ना, तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट तो 3x माइनस 4 इनटू दिस मच इज इक्वल टू 16 और 3x इज इक्वल टू ये, तो x इज इक्वल टू 16, तो यानी कि x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास दैट इज 68 अपॉन 25 एंड y इज इक्वल टू माइनस 49 बाय 25, तो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, राइट। तो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 14। Now, question number 15. What is question number 15? Let us see.
फिफ्टींथ इज, फिफ्टींथ क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन वाई इज इक्वल टू एमएक्स प्लस सी. दिस इज द लाइन वाई इज इक्वल टू एमएक्स प्लस सी. यस, और परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, दिस लाइन मीट इट एट पॉइंट माइनस वन कॉमा टू, माइनस वन कॉमा टू. फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ एम एंड सी. तो सेम वही करेंगे, पहले हम इस लाइन की क्वेश्चन निकाल लेते हैं. ये परपेंडिकुलर है, दिस इज ऑरिजिन जीरो जीरो, और सपोज दिस इज पॉइंट पी. तो पहले मैं ऐसा करता हूं कि ओपी, स्लोप ऑफ लाइन ओपी, ओपी दैट इज एम वन ले लेते उसको, तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो दैट इज माइनस टू, राइट. तो ये जो लाइन है इसको ओपी, इसको मैं वन ले लेता हूं, दिस टू. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन टू एम टू इज इक्वल टू, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो एम टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन, तो ये हो जाएगा वन बाई टू. ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन टू. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन टू विच पासिस थ्रू माइनस वन कॉमा टू, तो यूजिंग वन पॉइंट फॉर्म वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. और इसको हम किस फॉर्म में ले आएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले आएंगे. इससे क्या होगा कि हम m और c की वैल्यू कंपेयर कर देंगे, तो टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, और इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस फाइव बाई टू. नाउ कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हियर यू कैन सी दैट m इज इक्वल टू हाफ एंड c इज इक्वल टू फाइव बाई टू बाई कंपेयरिंग दिस विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट. तो m is half and c is equal to 5 by 2. That is what we have to get. Now we have another question, that is question number 16, which is important one. Question number 16. What is question number 16? 16th is P is the P and Q are the length of perpendicular from origin to the line this. तो P is the length of perpendicular, पहले मैं इसको निकाल लेता हूं. P is the length of perpendicular from origin to line this, और this line is okay. तो इससे पहले मुझे ना आपको एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा, तब फिर आप क्वेश्चंस करेंगे. इससे पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ फिर ये दो क्वेश्चंस आपके लिए हो जाएंगे. तो पहले मैं आपको ये एग्जांपल फॉर्मूला और दो एग्जांपल और करा देता हूं, तब आपके पास ये बाद वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, राइट. तो दिस इज यस लेंथ ऑफ, दिस इज length of perpendicular from, या perpendicular distance भी बोल सकते हैं, from px1 y1 to line ax plus by plus c is equal to 0, or that is given by, or this is suppose px1 y1, तो दैट इज गिवन बाय लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हम ले सकते हैं ओपी, पी क्यू ले लो चाहे, तो पी क्यू इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी लाइन, राइट. एंड दिस इज वन फॉर्मूला, एंड अनदर इज the distance between two parallel lines
लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। इसमें हमने ए वन बी वन क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कि पहला लाइन से तो उनके कोफिशिएंट्स जो स्लोप होंगे वो सेम होंगे, और स्लोप किससे निकलता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई से, तो दोनों कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई सेम होने चाहिए या प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो ए वन एक्स ए एक्स प्लस बी वाई इसलिए दिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू प्लस दैट इज गिवन बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दीज आर द टू फॉर्मूले यू नीड टू यूज इन फर्दर क्वेश्चंस, राइट। तो इस पे बेस्ड पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, तो फिर सेम ऐसे आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो दैट इज गिवन इन आर टेक्स्ट बुक एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल 18। What is question? Question is find the distance from the point this to the line this. We need to get the distance of this. Distance means perpendicular distance always, right? So 3x minus 4y minus 26. Or this is point P, which is 3 minus 5. So perpendicular distance, suppose this is D. So therefore, perpendicular distance from P 3 comma minus 5 to line first क्या होता है, AX1 D is equal to AX1, A तो हमारे पास 3 है, X की जगह हम X1 रख देंगे, 3 into 3, this is X1 Y1 ना। तो formula क्या था, चलो पहले मैं formula लिख देता हूं, AX1 plus BY1 plus c upon under root of a square plus b square, that was the formula for perpendicular distance from any point to any line. So a is 3, x1 is 3 plus b minus 4 into y1 is minus 5 plus c matlab minus 26 over under root of a square plus b square to 9 plus 16, so it becomes 9 plus 20 or minus 26 upon under root of 25 under root 5 ho gaya, to 3 upon 5 which is 3 upon 5. So this is perpendicular distance from this point to this line. Now we have another example, example number 19. What is that? नाइनटीन्थ एग्जाम्पल क्या है, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड अनदर वन इज 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो ऐसे केस में कोएफिशिएंट्स जो होते हैं x और y के वो सेम होंगे, इधर दे विल बी सेम और द प्रोपोर्शनल। अगर सपोज 6x माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होता तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर देते, मतलब आप उसको डिवाइड कर देते आप 3 से, तो 2 से डिवाइड कर देते तब हो जाता 3x माइनस 4y प्लस 5.2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो बनाना होता है हमें तो फॉर्मूला लगाने से पहले, तो नाउ कंपेयरिंग विद AX plus BY plus C1 is equal to 0 and AX plus BY plus C2 is equal to 0. So we have A is equal to B is equal to minus 4, C1 is 7 or C2 is 5. So distance between parallel lines
वन एंड टू, दिस इज वन एंड टू, दैट इज गिवन बाय d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इट इज c1 इज 7 माइनस c2 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, तो 2 बाय 5. तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, राइट. यस बेटा, नाउ बेस्ड ऑन दीज एग्जांपल्स यू कैन डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.3, राइट. तो यू नीड टू डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 10.3 जो अभी तक हमने नहीं किए हैं. आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज क्लास. विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद द सेम टॉपिक. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.